नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। कल जो बांग्लादेश में हुआ उसके बारे में कहा जा रहा कि वो एक टाइम टिकिंग बॉम्ब था जिसे कभी ना कभी फटना ही था। जिस तरीके से बीते कुछ सालों में सरकार के खिलाफ नाराज़गी बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, या लमसम हम समझ लें कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस बढ़ा है, जिस तरीके से कॉमन सिविलियंस अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रोटेस्ट किए और जिस मास में लोग सड़कों पर उतरे हैं, ये बता रहा कि कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है। और दुनिया में अब तक जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, अगर आप उसको देखेंगे, या रिवोल्ट हुए अगर आप उसको देखेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक मोमेंट आता है जिस मोमेंट के बाद जो कॉमन सिविलियंस होते हैं उनके अंदर मरने का डर ख़त्म हो जाता है। जब से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तब से लेके अब तक पाकिस्तान में कोई भी ऐसे प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे हैं जो अपने पूरे 5 साल के टेन्योर को पूरा कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही नहीं और पाकिस्तान अपने आप को एक कम्प्लीट इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह बना भी नहीं पाया, जहाँ पे उसके फॉरेन पॉलिसीज जो थे वो बहुत हद तक US ड्रिवन थे। तो आज के डेट में पाकिस्तान में ये देखने को मिलता है कि वहाँ पे सरकार तो है लेकिन उनका कोई काम नहीं है, जिसके कारण क्या है कि वहां पे कोई भी इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं। वहीं पे अगर बात किया जाए बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश अपनी आजादी को मोर और लेस पाकिस्तान से कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से संभाला था। इसमें भी कहीं से कोई दो राय नहीं है कि साल 2009 से लेकर 2024 तक शेख हसीना बांग्लादेश को संभाल रही थी और बीते कुछ सालों में उनके खिलाफ काफी बढ़ चढ़कर प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो जब ये प्रोटेस्ट हो रहे थे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी बांग्लादेश में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि 1971 के बाद जिस तरीके से बांग्लादेश का क्रिएशन होता है तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बहुत चुपता रहा और पाकिस्तान हर वक्त ये कोशिश करता रहा कि अपने प्रॉक्सीज को वो बांग्लादेश में एस्टैब्लिश करे, जो कि हर वक्त अपने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करें। और बाय द वे एक बात मैं बता दूं कि आज भी बांग्लादेश में पाकिस्तान सिंपथाइजर बहुत ज्यादा है। उसके बाद अगर बात किया जाए चाइना और US के बारे में, तो जिस तरीके से USA साउथ कोरिया, ताइवान, फिलीपींस को सपोर्ट करता है, तो कहीं ना कहीं ये एक इमीडिएट थ्रेट पहुंचाता है चाइना को। तो चाइना भी कहीं ना कहीं डीपली इंटरेस्टेड है बांग्लादेश में, जहां पे वो बांग्लादेश को अपने नेवल या मिलिट्री बेस की तरह पॉसिबली इस्तेमाल करने के बारे में सोचेगा। इससे क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं US के काउंटर करने के बारे में भी सोचेगा और साथ में हमारे इमीडिएट पड़ोसी की तरह वो आके बैठ जाएगा। तो इससे US को नुकसान कितना होगा वो तो नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज बहुत ही खतरनाक है। जब भी किसी देश में इस तरीके से तख्तापलट होता है तो जो उसका इमीडिएट पड़ोसी होता है सबसे अधिक खतरा उसी को होता है, क्योंकि जो कॉमन सिविलियंस होते हैं वो उसी देश में भागते हैं जो देश सबसे नजदीक पड़ता है और जो सबसे सेफ है। तो कहने की जरूरत नहीं है कि जो बांग्लादेश का इमीडिएट पड़ोसी पड़ता है वो भारत पड़ता है। और चाहे बात करें आप त्रिपुरा का, मेघालय का या वेस्ट बंगाल का, इन सभी साइड से आप भारत घुस सकते हैं। तो जब भी किसी देश में अनडॉक्यूमेंटेड लोग घुसते हैं तो उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता है, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी रोजगार लेने के लिए जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रेजेंट करने पड़ते हैं। और जो माइग्रेंट्स होते हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, तो वो सर्वाइवल के लिए फिर कहीं ना कहीं वो क्राइम का रास्ता चुनते हैं और फिर ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। और साथ में अगर पुलिस के पास कोई ठोस एविडेंस नहीं रहेगा तो उनके लिए भी काम करना मुश्किल हो जाएगा। एज अ रिजल्ट, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए पॉसिबली हर तरीके से बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर को सील किया गया है और पेट्रोलिंग काफी बढ़ा दिया गया है। यहाँ से लगभग 1.5 से 2 महीना पहले शेख हसीना के द्वारा एक क्लेम किया जाता है जहाँ पे वो कहती है कि उनसे कोई एक व्हाइट मैन मिलता है। जब मैं व्हाइट मैन कह रहा हूँ तो ये पॉसिबली यूरोपियन के बारे में बात किया जा रहा है, या इनफैक्ट आप प्रिसाइजली कह लें तो ये बहुत हद तक किसी अमेरिकन के बारे में बात किया जा रहा, जहां पे शेख हसीना के द्वारा ये कहा गया कि ये जो व्हाइट मैन उनसे मिले थे वो काफी इंटरेस्टेड थे बांग्लादेश में क्रिश्चियन कंट्री बनाने के लिए। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो ये कुछ इस रीजन के बारे में बात कर रही थी जहां पे बांग्लादेश हो गया, तो कहीं ना कहीं भारत का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता, यानी कि कहीं ना कहीं जो भारत का एरिया है उसको भी नुकसान पहुंचता। अब क्योंकि अभी तक शेख हसीना एग्जैक्टली ये नहीं बताए हैं कि वो व्हाइट मैन कौन था, लेकिन जिस तरीके से बताया गया है कि कहीं ना कहीं जो क्रिश्चियन कंट्री बनाने की बात थी और बांग्लादेश में अपने मिलिट्री बेस को बनाने की भी बात की जा रही थी, तो
तो इससे कहीं ना कहीं जो चांसेस हैं वो यूएस की तरफ इशारा पहुंचता है, क्योंकि यूएस के अलावा अभी कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अलग अलग देशों में अपने मिलिट्री बेस को बनाए। और साथ में यूएसए के लिए आज के डेट में रशिया से भी कहीं बड़ा जो चैलेंज है वो चाइना है, क्योंकि इसी साल बांग्लादेश में भी चुनाव थे। तो जो क्लेम किया गया है शेख हसीना जी के द्वारा वो ये है कि चुनाव से पहले वो व्हाइट मैन उनसे मिला था, जहां पे वो ये अश्योर किया था कि अगर किसी भी तरीके से शेख हसीना उनके प्लान को अग्री कर जाती है तो वो देश शेख हसीना को इलेक्शन जितवाने में मदद करेगा। आगे बढ़ते हुए शेख हसीना ये कहती हैं कि अगर किसी भी तरीके से बांग्लादेश उस व्हाइट मैन को एयरबेस बनाने की इजाजत दे देता तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता। और ये वही टाइम पीरियड है जब शेख हसीना ने ये कहा था कि जिस तरीके से इनके पिताजी का असैसिनेशन हुआ था, चांसेस काफी हाई है कि इनका भी असैसिनेशन कर दिया जाए और पॉसिबिलिटी काफी हाई है कि इनको सत्ता से हटा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बांग्लादेश से शेख हसीना को भागना पड़ा है, कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बड़ा बिगर कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा करता है। दो हमारा जो इमीडिएट पड़ोसी है चाइना और पाकिस्तान, ये हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। और कहीं ना कहीं बीते कुछ सालों में मालदीव में भी चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ा है, बहुत हद तक चाइनीज इन्फ्लुएंस श्रीलंका में भी है। तो इन्हीं बीच में जो बांग्लादेश का अप्रोच था भारत को लेके वो काफी सॉफ्ट था, या यूं कह ले कि ऑलमोस्ट वो प्रिडिक्टेबल था, जहां पे बांग्लादेश किसी भी तरीके से भारत के खिलाफ काम नहीं करते थे। और आज के डेट में ये हो गया कि जितना हमारे पड़ोसी मुल्क में इस तरीके का टर्मोइल रहेगा तो कहीं ना कहीं जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी है उसको डेफिनेटली खतरा पहुंचेगा। और जो सबसे अधिक चांसेस है वो ये है कि इस वक्त माइग्रेंट्स घुसेंगे और जो क्राइम रेट है वो बढ़ेगा। कल तक जो प्रोटेस्ट सिर्फ एक रिजर्वेशन को लेके था, वो प्रोटेस्ट समय के साथ सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो गया और वो प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को अपने ही देश छोड़ के भागना पड़ जाता है। तो अगर आप इन सब चीजों को बहुत ही आराम से देखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट के कारण किसी भी देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको अपना देश छोड़ के भागना पड़ जाए, इसके पॉसिबिलिटीज काफी कम होते हैं। और उसके बाद बांग्लादेश की आर्मी में इतनी कैपेबिलिटीज थी जहां पे वो इन सब भीड़ को कंट्रोल कर सकते थे। तो जिस तरीके से पूरा घटना घटा है बांग्लादेश में और घट रहा है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा कर रहा। और आने वाले दिनों में हमारे पास और भी जानकारी रहेंगे जहां पे हमें और भी अच्छे तरीके से मालूम पड़ेगा कि किन किन देशों का इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट रहा है। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।